आप सभी लोगों का स्वागत है सबलाइन क्लासेस में। हम देख रहे हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का समाजशास्त्र। आज हमारा जो विषय है वो बेहद महत्वपूर्ण है और उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का नाम शिक्षा के दर्शन से भी संबंधित है और शिक्षा के समाजशास्त्र से भी संबंधित है। लेकिन ये एक समाजशास्त्री थे, समाज के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए, तो मैं इन्हें समाजशास्त्र से संबंधित समझता हूँ। तो आइए देखते हैं आज इन्होंने शिक्षा संबंधी कौन कौन से कार्य किए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा इनका परिचय जानने से पहले भी हम जरा देखते हैं कि इनकी एक बहुत फेमस लाइन है, बहुत प्रसिद्ध लाइन है, और आपने कभी भी विवेकानंद के बारे में पढ़ा होगा तो इस लाइन को सबसे पहले आगे पढ़ना चाहिए। तो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, ये प्रश्न में कई बार पूछा जाता है कि ये महत्वपूर्ण लाइन किससे संबंधित है, और इसका अर्थ है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। तो ये लाइन जो लिखी हुई है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, इसका अर्थ भी आप देख चुके हैं। उम्मीद है आपको ये लाइन हमेशा याद रहेगी, और ये लाइन मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्पेशली नेट या टेट वाले पेपर में आएगी, ये लाइन आपके किसी भी कंपटीशन के पेपर में पूछी जा सकती है। अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की कुछ परिचय की। तो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को, मृत्यु हुई 4 जुलाई 1902 को। तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ ये बनता है कि आखिर जो स्वामी विवेकानंद थे ये कितने साल जीवित रहे, कितने इनकी जो उम्र थी वो कितने साल रही। तो उसका आंसर ये आएगा कि ये 39 ईयर ही जीवित रहे, बहुत कम ही उम्र में इनकी मृत्यु हो गई और ये स्वर्गवासी हो गए। आगे देखते हैं 1984 से 12 जनवरी का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है, यानी कि 1984 में ये घोषणा कर दी गई थी कि 12 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस होगा, और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी मतलब स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के कारण। तो मैं आपसे यहाँ एक प्रश्न पूछता हूँ, राष्ट्रीय युवा दिवस अगर होता है 12 जनवरी को तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? ठीक है, आपका यह प्रश्न है, आप उसका उत्तर दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है। आगे चलते हैं, उनका वास्तविक नाम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्त था, और उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 में, इंपॉर्टेंट डेट है ये, 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। बहुत महत्वपूर्ण ये कार्य हुआ था, इससे पहले जो है सनातन धर्म जो है कभी विदेश में इस तरीके से कभी कोई किसी ने भी इसका रिप्रेजेंटेटिव बन के कोई गया नहीं, कहाँ शिकागो में कभी भी नहीं गया, पहली बार कोई गया था वो स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने पूरे शिकागो के सम्मेलन में एक ऐसा पहचान बनाने का कार्य किया जो अभी तक कोई नहीं कर पाया था। फिलहाल हमारा जो आज फोकस रहेगा वो है शिक्षा संबंधी काम से, क्योंकि वैसे अगर हम स्वामी विवेकानंद की कहानियों पे चले जाएं, स्वामी विवेकानंद के कार्यों पे चले जाएं, तो बहुत ही बड़ा चैप्टर बन जाएगा। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी, मतलब स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, और इन्होंने 1897 को रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। इस मिशन की स्थापना केंद्र के वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी, और रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को ही कर्मयोग मानता है। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर बेलूर में स्थित है। यह रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए रामकृष्ण मठ कहाँ है तो बेलूर में है, या बेलूर मठ पूछा जाए तो वो भी बेलूर में है, और दोनों एक ही बात है। बेलूर मठ के भवनों की वास्तु में हिंदू ईसाई इस्लामी तत्वों का सम्मिश्रण है जो धर्मों की एकता का प्रतीक है। बात करते हैं वेदांत दर्शन की। स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन पर विश्वास करते थे, स्वामी जी अद्वैतवाद के समर्थक थे, और स्वामी जी ईश्वर में भी विश्वास करते थे। उनका कहना था कि ईश्वर है, ईश्वर सर्वशक्तिमान निराकार है और एक ही है, मतलब ये नहीं कि एक से ज्यादा ईश्वर हैं, एक ही ईश्वर है, और उनके अनुसार मनुष्य परमात्मा का अंश है और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। मानव की प्रकृति आध्यात्मिक है
और जो मानव है वो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। ये वेदांत दर्शन में विवेकानंद ने कहा था। जरा जान लेते हैं कि विवेकानंद की रचनाएं कौन कौन सी हैं। कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, प्रेम योग। वैसे प्रमुख तो इनकी ये चार ही हैं, लेकिन ये भी एक इनकी रचना है। तो इस प्रकार से इनकी जो बुक्स हैं आपको हमेशा याद हो सकती हैं। सबके आगे योग लिखा हुआ है। अब योग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पतंजलि जी ने ही लिखा है योग की परिभाषाएं, लेकिन कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और प्रेम योग जो रचनाएं हैं ये स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। अब हम अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। शिक्षा दर्शन जो इन्होंने दिया था उसकी बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे और वह ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। स्वामी जी शिक्षा के द्वारा लौकिक और परलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते थे। लौकिक दृष्टि से शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति स्वावलंबी बन सके। नकारात्मक शिक्षा प्रणाली, इसको हम निषेधात्मक शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं और नकारात्मक शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। तो जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली थी उसको उन्होंने नकारात्मक क्यों कहा ये देखते हैं। तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल क्लर्क पैदा कर सकती है। तो ये जो लाइन है बहुत फेमस है, कई बार पूछी जा चुकी है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल क्लर्क पैदा कर सकती है या क्लर्क पैदा करने की मशीनरी है। ये लाइन किसकी है? तो आप बताएंगे, स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था। आगे इन्होंने कहा कि यदि केवल यह इसी प्रकार की होती तो भी मैं ईश्वर का धन्यवाद देता, लेकिन इस दूषित शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षित भारतीय युवक अपने माता पिता, पूर्वज और अपने इतिहास, अपनी संस्कृति से घृणा करना सीखता है। पवित्र वेदों, पवित्र गीता को थोथा एवं झूठा समझने लगता है। अपने अतीत, अपनी संस्कृति पर गौरव करने के बदले वह उनसे घृणा करने लगता है और विदेशियों की नकल करने में ही गौरव समझता है, जो कि उसके लिए दुष्प्रभाव है। स्वामी विवेकानंद ने प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा, जो मैंने भी आपको बताया था नकारात्मक शिक्षा, निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा देते हुए कहा कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हो, जो अच्छे भाषण दे सकता हो, पर वास्तविकता यही है कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, जो चरित्र निर्माण नहीं कर सकती, जो समाज सेवा की भावना विकसित नहीं कर सकती तथा जो शेर जैसा साहस नहीं पैदा कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ है। वैसे इतना बड़ा लंबा जो टॉपिक है ये नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर मेन बात थी कि उन्होंने निषेधात्मक शिक्षा जब कहा वर्तमान शिक्षा को, तो उसके साथ जो टिप्पणियाँ अपने लिखी वो यहाँ पर बतानी आपको आवश्यक थी। अब हम कुछ सिद्धांतों की बात करते हैं कि विवेकानंद का जो शिक्षा दर्शन है उसके कुछ सिद्धांत हैं, उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत बताए थे, और उसके बाद हम विचारों की बात करेंगे, क्योंकि सिद्धांत और विचार ही हमारे प्रश्न पत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ज़्यादातर इनकी, विवेकानंद जी की कुछ जो महत्वपूर्ण विचार होते हैं, कुछ कथन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत बताए थे। शिक्षा ऐसी हो जिसमें से बालक का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो और वह आत्मनिर्भर बन सके। बालक एवं बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा ना देकर आचरण और संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग अलग से भी अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। पाठ्यक्रम में लौकिक और परलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहिए। लौकिक और परलौकिक का मतलब ये होता है कि लौकिक वो पाठ्यक्रम होता है जो हम हमारे आसपास जो है उसको पढ़ना, जैसे मतलब हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें लौकिक में आ जाती हैं, ठीक है, या कोई भाषा सीख रहे हैं या साहित्य के बारे में कोई भी ज्ञान एकत्र करें। परलौकिक वो होता है जब हम आध्यात्मिक शिक्षा लेने का प्रयास करते हैं और आत्मा परमात्मा टाइप की जो शिक्षाएं होती हैं वो परलौकिक में आती हैं। उसके बाद अगला है, शिक्षा गुरु ग्रह में प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा जो है गुरु ग्रह मतलब जहाँ पर शिष्य रह सकें, जैसे पुराने समय में आश्रम थे, क्योंकि ये जो विवेकानंद थे ये वेदों पर विश्वास करते थे, तो इनको लगता था कि जो वेदों में आश्रम पद्धति शिक्षा के लिए बताई गई है सबसे उचित है।
शिक्षक एवं छात्र का संबंध अधिक से अधिक निकट होना चाहिए। सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने तकनीकी शिक्षा बताने वाले एक महान सन्यासी थे। अभी तक कोई तकनीकी शिक्षा की बात नहीं करता था, लेकिन इन्होंने तकनीकी शिक्षा की बात की थी। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये। मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू होनी चाहिए और शिक्षा ऐसी हो जो सीखने वाले को जीवन संघर्ष के लिए शक्ति दे। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इनके सिद्धांत थे, लेकिन अब हम बात करते हैं जो इनके विचार होते हैं। और विचार सारे इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जो इन्होंने कहा है वो दूसरे ने नहीं कहा है। अब आप स्वयं का अपना नाम आगे जोड़ लीजिए तो बात अलग है, लेकिन जो इन्होंने कहा है हम उन पर चर्चा करते हैं। तो शिक्षा संबंधी जो बातें इन्होंने कही, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। बातें भी इनकी ऐसी थी काफी मोटिवेशनल टाइप की लगती हैं कि जितना बड़ा आप संघर्ष करेंगे जीत भी उतनी शानदार होगी। पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूं। उनका कहना था कि सिर्फ मेहनत ही नहीं है सब कुछ, आपको धैर्य और पवित्रता का भी साथ रखना होगा। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। वर्तमान में जो भी है वो सब ज्ञान है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। हम जब उसका आविष्कार करते हैं तब हम उसे देख पाते हैं। जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मुझे किसी पेपर में दिखी थी लेकिन मुझे वो पेपर नहीं याद आ रहा है। मुझे अच्छे से याद है ये मैंने देखा था किसी पेपर में। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाकर उसके पैरों पर खड़ा करना है। शिक्षा का मतलब अपने दिमाग में सूचनाओं एवं जानकारियों को भरना ही नहीं बल्कि जानकारियों का सही उपयोग करना शिक्षा है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान भी आप पर विश्वास नहीं करता। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक भगवान भी तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। मतलब पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आप पढ़े पढ़े ये नहीं कह सकते कि भाई भगवान के सारे सब कुछ हो जाएगा, और अगर आप ऐसा करते भी हो तो आपको भगवान पे विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि आप तो जब डर लगने लगेगा तो आप कहोगे कि भगवान भी जो है शायद साथ छोड़ रहा है। लेकिन जब आपका खुद पर विश्वास होगा तो भगवान पर भी आप विश्वास कर सकते हैं। तो जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उसे करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। बहुत अच्छी लाइन, मुझे तो फिलहाल बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने इस पर रखा, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर शिक्षा संबंधी कोई बात नहीं थी लेकिन मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। हमारा सबसे बड़ा, हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है ना, ये यही है। क्या समस्या है? हम एक बार में पांच पांच बातें सोचते हैं और सोचते हैं कि हमारे सारे काम हो जाएं, ये भी हो जाए दूसरा भी हो जाए। हम जब एक काम करते हैं तो उसी को सोचना चाहिए, चाहे वो मेहनत का काम हो, सोचने का काम हो, दौड़ने भागने का काम हो, कुछ भी हो। हम अगर मान लीजिए इस मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो मॉर्निंग वॉक करते समय भी हम पांच बातें सोचने लगते हैं। अगर हम मॉर्निंग वॉक करते समय ये सोचें कि ये जो मैं कर रहा हूँ मुझे और अच्छे से करना है, तो शायद वो मॉर्निंग वॉक आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। लेकिन हम सोचते हैं कि आज हमें दिन भर करना क्या है, और शायद हम ये सोचते सोचते अपनी मॉर्निंग वॉक खराब कर लेते हैं। तो ये भी लाइन बहुत महत्वपूर्ण कही थी। और इनके अन्य महान वचन जो कि शिक्षा से संबंधित नहीं है लेकिन पूछे जा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। इन्होंने कहा कि तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। कहते हैं कि हर काम में सिद्धांत ही जरूरी नहीं है, आप अपने आप सोच के अपने व्यवहार से भी अपना काम पूरा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर जगह सिद्धांतों का ही प्रयोग करना पड़े। हर चीज़ के लिए सिद्धांत बने, हर चीज़ के लिए नियम बने, लेकिन कभी कभी हमें अपने कामों को पूरा करने के लिए कुछ नियमों को तोड़ना पड़ता है। जैसे एक छोटा सा नियम बताऊं, हमें कहा जाता है कि रात में जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ। तो एक नियम ही तो है लेकिन हमने उसको तोड़ा है। हम रात में 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं, तो एक नियम तोड़ने जैसा ही हुआ। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया है। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। आप जब मेहनत करेंगे तो हो सकता है आपको लोग माने कि आपने कुछ नहीं किया, फिर आपका विरोध भी हो सकता है, फिर उसे स्वीकार भी कर लिया जाएगा। अब आपके लिए वो काम अच्छा होना चाहिए, बस।
एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकरे खाने के बाद ही होता है। बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे। और जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, लेकिन रिश्तों में जीवन होना बहुत जरूरी है, ये भी इन्होंने कहा था। तो ये अच्छी लाइनें हैं, ये आप अपने जिंदगी में भी इसको ढालने की आप प्रयास करिए, क्योंकि अच्छी लाइनें कभी कभी हमारे लिए बहुत अच्छी साबित होती हैं। फिलहाल जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से, जल्दी ही मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।